मैं इसमें पढ़ाई कर रहा था एक बार, ठीक है, तो चार लड़के मुझे प्रपोज किए। मेरे प्रपोज करने के बाद तो एक ऐसा टाइम आया मेरी लाइफ में, मैंने उसको शनिवार के दिन प्रपोज किया, ठीक है, उसके अगले दिन मैं भूल गया कि वो कौन है। वो फिर अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एक बार क्या हुआ कि मैं मार्केट गया, मेरे पास थे 10 रुपए, उससे ज्यादा तो बढ़ते ही नहीं मेरे पास पैसे। वहाँ पे एक बुड्ढा नजर आया, मैंने सुना कि भला करने पर पुण्य मिलता है, घर वालों ने ऐसा सिखाया था, तो 8 रुपए का अंडा दिया, बोला मैं खा लिया, बचा 2 रुपया। मैं बोला अंकल आप रख लो। वो जबरदस्ती दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे भीख मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि रख लो अंकल, मेरे को नहीं चाहिए। और उस रात मैं सोच रहा हूँ घर पे आके कि मेरा जो मैंने जो भला किया उसका पुण्य मेरे को कितना करोड़ मिलेगा। आप लोगों को पता है कि पेरेंट्स के साथ में घूमने का मन नहीं करता है, क्यों? जब भी मैं जाता हूँ मार्केट पेरेंट्स के साथ या कहीं भी जाता हूँ, तो वहाँ पे जो अगर मेरे को कोई लड़की दिखती है ना, तो घर वालों की नज़र उस पर नहीं, मेरे पे रहती है, कहीं मैं तो उनको नहीं दिख रहा। आप लोगों ने तो सुना होगा कि मम्मी पापा के बीच में बहुत झगड़ा लगता है, लेकिन इधर मेरे और मम्मी के बीच में हो गया। तो जब झगड़ा हुआ ना, तो मम्मी खाना बनाई गुस्से से, अब इतने प्यार से निकाल के दे रही है जैसे कि खाना उससे ज्यादा यहाँ पे बन रहा हो। चलो मैं खाना खाया, चखा, मैंने मम्मी से बोला कि आज खाने में टेस्ट नहीं है, तो पता है मम्मी ने क्या बोला? मेरा मुंह खराब है। मेरे रिश्तेदारों में मतलब जो रिलेशन है उनमें एक शादी पड़ी थी, तो सोचा था कि 4-5 लड़कियां देख ही लूंगा, पटाने की तो औकात है ही नहीं ना मेरे। जाने से पहले फेस वॉश खत्म था, पहला दिक्कत यह आया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने 3-4 बार साबुन से अपना मुंह धो लिया, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। खैर जैसे का तैसे मैं वहां पे पहुंचा, वहां पे एक भी लड़की नहीं थी। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जैसे ही वहां से लौट रहा था घर की ओर, वैसे ही अंकल ने रोक लिया। बोलते हैं पानी और पत्थर काम हो जाना चाहिए। चलो पानी बांटने लगा, पानी देने के बाद दिख रहा है कि सामने एक लड़की खड़ी है और उसी को मैं पानी ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम कौन सा गाना चलाऊं? मैं रोया ये कौन सा तालाब में डूब के मर गया, ठंडी का मौसम है वैसे। आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि मैं खुद को ही भूल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ। हुआ क्या, एक बार कॉलेज जा रहा था, कॉलेज जाने से पहले मम्मी ने मेरे लिए नया कपड़ा लेके आया था, मैं बहुत खुश था, ब्लैक जीन्स शर्ट, आज तो पक्का कोई ना कोई प्रपोज करेगी, ऐसे सोच देख रहे हो। मैं स्टाइलिश में जा रहा हूँ कॉलेज, बस में पूरा एकदम हीरो की तरह, मतलब मत पूछो जैसे कि अगला अंबानी मैं ही हूँ। चलो खैर वहाँ से बस से ट्रेवल किया कॉलेज तक पैदल गया, लड़कियाँ मुझे देख के हंस रही है, मैं बोला ये कौन सा चमत्कार हो गया है। फिर पता है क्या हुआ, कॉलेज के गेट के पास गया, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड लगे रहे थे ना, उन्होंने मुझसे बुलाया। मैंने उनसे भी कहा कि मैं आईडी कार्ड पहना हूँ, मुझे मत बुलाओ क्योंकि विदाउट आईडी कार्ड एंट्री नहीं होगी। उन्होंने मेरे को बोला बेटा तेरा चेन खुला हुआ है पैंट का। शायद ही कोई ऐसा एक निकम्मा होगा जो प्रिंसिपल सर से क्वेश्चन पेपर मांगने की उम्मीद रखता होगा। मैं हूँ। हुआ क्या कि मुंबई में घूमने के लिए आया था 1 महीने के लिए, घूम के यहाँ से फिर गांव गया, एक लड़का मिला, उसने बोला कि जो गांव में स्कूल रहते हैं ना ज्यादातर क्वेश्चन पेपर सेम आते हैं और आगे पीछे डे में एग्जाम होता था। उस लड़के ने कहा कि वो प्रिंसिपल सर के पास जाओ, सरकारी स्कूल थी, उनसे पेपर मांगोगे तो वो दे देते हैं। जानते कि मैं बेवकूफ हूँ, जानते हैं सब लोग, बना देते हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, सर से मैंने कहा सर मैं वो भी स्टाइल से बोल रहा था ना, मैं बोला सर मैं मुंबई में घूमने गया था, मैं पढ़ा नहीं पाया मतलब ध्यान से अच्छे से,
उधर ही ध्यान था मेरा घूमने में, तो लेट हो गया इसी वजह से पढ़ाई नहीं किया। तो सर आप थोड़ा सा हेल्प कर दो, क्वेश्चन पेपर दे दो, मैं पढ़ाई कर लूँगा। सर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। बोल सर सर आप पैसे की बात मत करो सर, 20। ये बंदा 5 रुपये मम्मी से मांगने वाला 20 रुपये वहां पे दे रहा था। प्रिंसिपल सर सर 20 रुपये ले लो, क्वेश्चन पेपर दे दो। सर मेरा जो हालत हुआ ना उस टाइम, आप लोग को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी वहां से मैं किसी तरह निकल गया। थोड़ा वो लड़का गया था जो मेरे को भेजा था वहां। एक बार मैं ना सुबह सुबह जल्दी उठ गया, ठीक है, पापा भी बैठे थे, मम्मी भी बैठे थे। एक्चुअली मैं उठता ऐसे हूँ ना कि पापा जब काम पर चले जाते हैं तब मैं उठता हूँ, ठीक है। वो गलती से उठ गया तो फिर नहीं पता, रात में शायद जल्दी सो गया रहूंगा या तो फिर फोन स्विच ऑफ होगा, ऐसे ही कुछ हुआ रहेगा, याद बस यही याद। तो बहुत वेट किया, पापा के सामने थोड़ा अच्छा बना उस टाइम, पापा काम पर गए। तो मम्मी एक चीज बताती मेरे को, मम्मी ने एक सपना देखा कि जिसमें पापा को 8-10 लोग किडनैप कर रहे हैं और मम्मी सुपरमैन बन के उड़ के उनको बचाने गई। मम्मी मेरे को बताती वुमेन पावर। स्कूल में तो क्या है कि अभी अगर जाऊँ तो याद रहेगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक नए सर आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे को मॉनिटर बनाओ। जिसको नाम लिखने नहीं आता उसको मॉनिटर बना के रख दिया कि तुमको नाम लिखना है। तो उसने बोला किसका भी दांत, सर बोले जिसका भी दांत दिखे उनका नाम लिख दो बोर्ड पे। लिख ही रहा था सर का भी दांत दिखा, सर का भी नाम छोड़ दिया मैंने बोर्ड पे।